अक्षरा आज आप बहुत बिजी हैं। अब तक तो काम निपट गया होगा ना? छत पर पूजा की तैयारियां करनी है। पंडित जी भी आ गए, मैं भी आई। सॉरी नरिक जी, जरूरी फोन करना था एक। तो चले छत पे। क्या हुआ? दादू बस सर में थोड़ा दर्द है। ओ तो चलिए मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ। नहीं नहीं, तबीयत इतनी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। पक्का? जी। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, अक्षर दीदी, आपको पता है जीजू की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आइए ना। हाँ चलो। नैतिक जी दवा खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, इतना भी सर दर्द नहीं हो रहा कि मैं दवाई लूं। तो ऐसा कीजिए, गरम गरम अदरक की चाय पी लीजिए। दादू मैं घर से चाय पी कर आया। अच्छा। लो अक्षरा भी आ गई, अब तो उसी के हाथ से दवा खाएंगे आप। देखना अक्षरा, हमारी तो ये सुनते ही नहीं। इनका सिर बहुत दर्द हो रहा है। मैं जरा पंडित जी को देख के आता हूँ। मैं भी चाय भिजवाती हूँ। दवाई खा लीजिए। नहीं अक्षरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। हेलो। हेलो वर्षा भाभी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, हमारी भाभी हैं। वो नैतिक जी को दवा दे रही है, थोड़ा सा उनके सर में दर्द था ना इसलिए। और सब कुशल मंगल? हाँ यहाँ सब ठीक है, पर आप पहले ये बताइए क्या उन्होंने दवा ले ली? क्यों? अच्छा ये बताइए क्या उन्होंने अब तक कुछ खाया है? लेकिन क्यों? भाभी मैंने जीजू से शर्त लगाई है, मुझे लगता है कि दादा ने भाभी के लिए व्रत रखा है। क्या? हाँ यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं खाया। लेकिन जीजू कह रहे हैं कि उन्होंने व्रत नहीं रखा है, इसलिए मैं भाभी से ये पूछना चाहती थी कि अगर उन्होंने कुछ खा लिया तो मैं शर्त। रश्मि तुम शर्त जीत गई हो। क्या? हाँ यहाँ हमें तो पता ही नहीं है और रक्षा को भी नहीं पता। तुमने सही कहा, नैतिक जी जब से यहाँ आए हैं ना इन्होंने चाय तक नहीं पी है। कह रहे हैं मेरा मन ही नहीं कर रहा है, सर दुख रहा है। तुमने सही कहा, नैतिक जी ने व्रत रखा है। दादा ने व्रत रखा है। मैं शर्त जीत गई। मान गए बॉस। हेलो वर्षा भाभी। रश्मि मैं अक्षरा को बोलती हूँ, वो तुम्हें फोन कर देगी। जी भाभी बाय। चलिए अब तो ट्रीट देनी ही पड़ेगी, वो भी फाइव स्टार होटल में। ओके। क्या है नैतिक, हर बार अपनी मनमानी, कम से कम आज तो मेरी सुन लीजिए। अगर आपके सिर में दर्द है तो दवाई खा लीजिए ना। चलिए खाइए। नहीं अक्षरा वो। नैतिक क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, एक तो मेरा व्रत है और ऊपर से आप मुझे तंग कर रहे हैं। अक्षरा क्या बोलने जा रही है तू? तुझे पता भी है कि उन्होंने दवाई क्यों नहीं खाई थी? क्योंकि भाभी आप प्लीज रहने दीजिए, इन्हें गुस्सा करने दीजिए। देखा वर्ष,
ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते, हर बात पे जिद। अक्षरा मेरी बात तो सुन। अक्षरा सुन तो। अक्षरा रहने दे, मुझे कुछ नहीं समझना है और तू मुझे समझा भी मत। अक्षरा तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। इतना रूठने से पहले तूने एक बार भी सोचा कि नैतिक जी ने कुछ खाया पिया क्यों नहीं है? दवाई तक नहीं ली है। तेरा ऐसा बर्ताव देख कर ना मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। क्यों, क्या बात है? दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में डाल ली है, लेकिन जो सामने है वो दिखाई नहीं देता। किसी को तो मानना ही नहीं है कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। वर्षा तो क्या बोल रही है? अक्षरा नैतिक जी ने भी तेरे लिए व्रत रखा है पगली। इसीलिए मेरे तो ध्यान में ही नहीं आया, जब से आए हैं ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया। नैतिक जमाई साहब, पहुंची। राधे कृष्ण। बहुत राधे कृष्ण। जीते रहो, जीते रहो। जमाई साहब क्या हुआ आपका, सर दर्द हो रहा? आपके सर में दर्द है? डॉक्टर को बुलवा दें हम? नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है? शौर्य बता रहा था कि आपका सर दर्द हो रहा है, आप दवा भी नहीं ले रहे हैं, कहीं बुखार तो नहीं है? नहीं माँ, लगता मैंने आप लोगों को बेखार में परेशान कर दिया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, धालू ने आप सबको बस साथ ही डरा दिया। लेकिन फिर भी बेटा, दवा तो आपको लेनी चाहिए। पड़ी माँ, दादी जी बुला रही है, पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं, तो सब लोग आ जाए। हाँ चल हम आते। अक्षरा चलो बेटा। वर्षा, वर्षा को भी बुला ले। शौर्य की माँ आप लोग चलिए, हमारा वहां क्या काम, हम नहीं बैठते हैं। हाँ माँ। अच्छा बेटा आइए, जमाई साहब बैठिए। आई
बड़ी बहू, अपनी बहू को सुहाग पिटारा तो दे दो। बड़ी बहू, वर्षा को इसका मतलब नहीं समझाओगी कि क्यों देते? माँ, इसे सब पता होगा। हाँ माँ, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन अगर आप दोबारा बताएंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ माँ बताइए ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। बचपन में सुनती थी जब दादी आपको और काकी को समझाती थी, आज आप वर्षा को समझाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ बताइए ना, क्या है इसमें? इसमें सुहागन के 16 श्रृंगार का सामान है, जैसे सिंदूर, बिंदी, बाजूबंद, पायल, इत्र और 16वां श्रृंगार, जिससे औरत के रूप में 4 चांद लग जाते हैं, जो औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। वो होती है लज्जा। अब जल्दी से सब लोग छत पे चलो, चांद की आरती उतारनी है। हाय मेरी मैया, कहीं चांद निकल ही ना गया हो। अरे धनिया, अभी समय है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जो बड़ी बहू ने तुम्हें लहंगे दिए ना, वही पहनना। पूरे श्रृंगार के साथ जल्दी से छत पर आ जाओ। जी। अरे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं भाभी माँ, अब तक तो दिखाई नहीं दिया। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि चारों तरफ चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। इससे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। जीवन भर तीज का व्रत रखना होगा। कैसे रखोगी? अरे छोटी माँ, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर रुक तक नहीं करेगी। दीदी, मैं अब और नहीं रुक सकती, और अगर एक मिनट में चांद नहीं आना तो मैं अपना व्रत तोड़ दूंगी। अरे अरे अरे, अरे साली साहिबा, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। और फिर क्या पता, हो सकता है अगले साल आपके साथ भी कोई होनहार सा हैंडसम विद्वान गुणवान पति खड़ा हो, जैसे कि आपकी दीदी के सामने खड़ा। भाई, चांद निकला कि नहीं? देखते हैं बाबूजी, पता नहीं आज चांद निकलेगा भी या नहीं। अंशु तू अच्छे से गा नहीं पा रहा है, अब देख मैं बताता हूँ। देख, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। सॉरी, चंदा मामा को बाद में बुलाना, पहले वर्षा को बुला ला। अरे काकी आती होगी बस, आप तो चांद देखिए। जीजू, आप खड़े क्यों हैं? इस पे बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठ जाइए ना, ऐसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थक जाएंगे। बैठिए ना जल्दी से। मैं क्या, बल्कि आप लोग बैठिए। सुबह से आप लोगों ने व्रत रखा है, कुछ खाया भी नहीं है। और आपने? मैंने तो खाया है। झूठ,
जब से आए कुछ भी नहीं खाया। वो तो इसलिए क्योंकि मैं घर से पेट भरकर खाना खाकर आया। ये वर्षा कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। शौर्य बेटा जा, जरा देख और उसे बुला कर लिया। अरे दादी वो आती होगी, अब माँ ने इतना भारी लहंगा दिया है तो उसे पहनने की खुशी में अब तक सज धज रही होगी। आज तो हर नारी 16 सिंगार करेंगी, चांद क्या देखेंगे, हमारी अक्षरा वर्षा ही चांद लगेगी। वो तो है। देखिए तो जरा बेटी का पहला व्रत और चांद से कितना सता रहा है। अरे आज तो मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत का काम किया है। अरे शारदा, पूजा पूरी हो जाने के बाद मरी स्नेहा लाडो के पहले व्रत पर उसे सोने के कंगन दूंगी। हाँ थाली में देख सब कुछ है ना, कोई पूजा पर रह ना जावे। हाँ इतनी देर से आता है, अभी दूर कर दूंगी। कैसे? मैं थाली में अब इन्हें देखकर अपना व्रत तोड़ ना। अब देखना तेरी ये छुपा छुपाई मैं कैसे खत्म करती हूँ। मैं बाद में बताऊंगी। वो देखिए चांद निकल गया। वो सचमुच चांद या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है? अरे सचमुच चांद है। हाय मेरी मैया, कितना सुंदर चांद निकल आया है। धनिया तू अभी तक यहाँ है? जल्दी अपने घर जा, भोला तेरा इंतजार कर रहा होगा। खुश हो, सदा स्वागत रहे। मैं जल्दी जा। ये वर्षा अभी तक क्यों नहीं आई? अरे वो देखिए वर्षा अभी आ गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।